क्या जिया शंकर ने कर दी है मनीषा रानी की बेइज्जती? क्या मनीषा की एक बार फिर जिया ने की मीडिया के सामने बेइज्जती? बल क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनीषा रानी बिग बॉस के ओटीटी के सीजन 2 में खूब पसंद की गई थी। वहीं शो में जिया शंकर भी थी, जिनको अक्सर ही मनीषा रानी के पीछे हाथ धोकर पड़े देखा गया था। जिया को भी खूब पॉपुलैरिटी मिली थी इस शो से, और जिया अभिषेक मल्हान को पसंद करती थी और मनीषा के अभिषेक काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से जिया मनीषा को पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि शो खत्म होने के बाद भी जिया के अंदर से वो चीज़ें नहीं निकली हैं मनीषा के लिए, जो समय समय पर दिख जाती है। और अब एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लगने लगा कि जिया अब भी मनीषा को पसंद नहीं करती हैं। दरअसल हुआ यूं कि मनीषा रानी को हाल ही में डांस दीवाने शो पर एज अ गेस्ट बुलाया गया था। यहाँ पर वो टोनी कक्कड़ के साथ पहुंची थी। दोनों ने शो के सेट पर खूब इंजॉय किया और मनीषा तो रोती भी दिखी, क्योंकि उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए जब उन्होंने DID के लिए ऑडिशन दिया था और वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। पर अब वो वैसे ही किसी डांस रियलिटी शो में एज अ गेस्ट बनकर पहुंची हैं, जिसे लेकर मनीषा काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं और अपने पुराने दिनों को याद करने लगती हैं। वहीं अब जिया शंकर को हाल ही में अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाते देखा जाता है और पैप्स उन्हें घेर लेती है और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है। इसी दौरान मीडिया पर्सन ने जब जिया से मनीषा के बारे में सवाल किया तो वो कुछ जवाब नहीं देती हैं। पैप्स बार बार मनीषा से रिलेटेड सवाल जिया से पूछ रहे थे, जिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया और वहाँ से चली गई, जिसे देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीषा की जिया ने बेइज्जती कर दी। वेल, जिया शंकर ने जब मनीषा को लेकर जवाब ही नहीं दिया तो इससे मनीषा की बेइज्जती कैसे हो गई? वेल, क्या लगता है आपको कि क्या अभी भी जिया मनीषा को पसंद नहीं करती हैं? क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएँ।